गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने सेल इनवॉइस के अंदर उसके ऊपर बैंक डिटेल कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने टैली ओपन कर लिया, आपको टैली ओपन कर लेना। टैली ओपन करने के बाद आपको कोई भी एक इनवॉइस ओपन करनी है, तो मैं सेल रजिस्टर से कर लेता हूँ, जिसका शॉर्टकट की DAS है। DAS मैं यहाँ पे कोई भी इनवॉइस ओपन कर लेता हूँ। इनवॉइस ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल पी प्रेस करना है, कंट्रोल पी। देन आपको यहाँ पे जाना है कन्फिगर का ऑप्शन, कन्फिगर। देन यहाँ पे आपको सर्च करना है बैंक। बैंक सर्च करने के बाद आपके यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे बैंक से रिलेटेड। एक तो है शो बैंक डिटेल्स, अगर आप बैंक की डिटेल प्रिंट करना चाहते हैं। दूसरा, आप किस बैंक का डिटेल प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे आप अगर एक ही कंपनी में तीन चार या फिर जितने भी बैंक हैं एक ही कंपनी के नाम से रिलेटेड, तो आप किस बैंक को प्रिंट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐसे रखना है बैंक डिटेल को। दूसरी बात, बैंक नेम में जाना है और यहाँ से आपको बैंक सिलेक्ट करना है। जैसे HDFC है, IDFC है, PNB है, तो मैं HDFC करना चाहता हूँ। देन एंटर। देन आपको बैंक आ जाना है और आप यहाँ प्रीव्यू में देख सकते हैं। प्रीव्यू का शॉर्टकट की आई है, आई। ऑल्ट जेड से जूम होता है, ऑल्ट प्लस जेड। देन आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको HDFC का बैंक डिटेल शो हो जाएगा। अगर आप इसको चेंज करेंगे, जैसे बैंक आइएगा, कन्फिगर, बैंक सर्च करना, बैंक नेम में एंटर करना और मैं यहाँ पे IDFC कर देता हूँ। देन एंटर बैंक। फिर आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना और ऑल्ट जेड से जूम करना है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बैंक डिटेल चेंज हो गया, IDFC आ गया HDFC की जगह। तो आप इस तरह अपना बैंक का डिटेल इनवॉइस पे प्रिंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही नए अपडेट के लिए, डेली सेल्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।